शास्त्र में जैसी आज्ञा है उसके अनुसार करना चाहिए, जो मना है तो नहीं करना चाहिए। भागवत धर्म अनुशासन प्रधान नहीं है, उद्देश्य प्रधान है। किसके लिए किया जा रहा है? यदि भगवान के लिए जो कर्म किया जा रहा है, जिससे ईश्वर प्रसन्न हो, ईश्वर प्रसन्न हो, ईश्वर प्रसन्न हो, तो उसको भागवत धर्म कहते हैं। कृत स्मार्त धर्म में कर्म की रूपरेखा ही निश्चित होती है। ये कर्म करो तो धर्म है, ये कर्म करो तो धर्म नहीं है। और भागवत धर्म में कर्म की रूपरेखा निश्चित नहीं की जाती, केवल उद्देश्य की ही प्रधानता होती है। तो न अनुशासन है, न कर्म की रूपरेखा, और धर्म का फल अपूर्व पहले उत्पन्न होता है अंतःकरण में, फिर वो इस लोक में या परलोक में फल के रूप में परिणाम को प्राप्त होकर फल देता है। और ये जो भागवत धर्म है, ये अपूर्व के रूप में परिणाम को प्राप्त होकर के अंतःकरण में नहीं रहता है, बल्कि भगवान स्वयं उसको अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और उसका मुख्य फल दृष्ट ही होता है। मन अंतःकरण में जो प्रसन्नता है, आनंद है, आंखों में आंसू है, अंतःकरण की शुद्धि है, तत्काल भगवत प्रसाद है, इसका फल दृष्ट ही प्राय होता है। लो अभी भगवान के लिए काम करो और लो आनंद, लो आनंद, लो आनंद। तो प्रेरणा के स्रोत में भी अंतर है, कर्म के स्वरूप में भी अंतर है, उद्देश्य में भी अंतर है और फल में भी अंतर है। ये चार प्रकार का अंतर लेकर के भागवत धर्म मनुष्य के जीवन में आता है। इसी से प्रायः कर्मठ लोग जो हैं वे इस धर्म को नहीं समझ पाते हैं। अब ये बात आपको हम सुनाते हैं। राजा परीक्षक ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी महाराज, जब धर्मराज के दूत लौट करके जनपुरी में गए
और जमराज की आज्ञा भंग हो गई। उन्होंने जाकर सुनाया कि महाराज आपकी आज्ञा की ये दुर्दशा हुई। तब जमराज ने क्या कहा, ऐसा प्रसंग कभी सुनने में नहीं आया कि जमराज के दूत कहीं जाएं और वे मार पीट के भगा दिए जाएं। लोगों के मन में संदेह होगा, उसका आप समाधान कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि जब धर्मराज के दूत लौट करके ब्रह्मपुरी में गए तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि महाराज इस संसार में शासक कितने हैं जीवों के कर्म को फल देने वाले। जब ये बहुत से शासक हैं महाराज तो हम किसके पास जाएं, किसके पास न जाएं, और किसको नरक मिले किसको स्वर्ग मिले। तो यदि बहुत से दंड देने वाले हैं शासक हैं तो आपस में लड़ जाएंगे महाराज, और उनका जो शासकपना है वो तो जैसे एक खंड मंडला भी, जैसे एक एक तहसीलदार होते हैं, एक एक कलेक्टर होते हैं, वैसे उनका बंटवारा हो जाएगा। यथा मंडलवर्तिनाम, जैसे चक्रवर्ती मुख्य शासक होता है और मंडलवर्ती का जो शासक है खंड मंडलाधीश का, ये महाराज हाई कोर्ट फैसला दे सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील हो जाती है और वो फिर वो फैसला तोड़ दिया जाता है। तो यदि ये जमराज हम लोग भी ऐसे ही हैं महाराज तो हमारी मर्यादा तो बताओ, कहां तक हमको जाना चाहिए और कहां तक नहीं जाना चाहिए। हम तुम्हारी आज्ञा से इस पापी अजामिल को यहां लाना चाहते थे, परंतु कोई महाराज चार पुरुष आए बड़े दिव्य महाराज देखने में मिले, हम तो उनकी शोभा ही देखते रह गए। उनकी आंख कितनी प्यारी, उनका मुखारविंद कितना सुंदर, हम तो टुकुर टुकुर देखते रह गए और वो हमारे पापी को छीन के ले भी गए और हमको पीट भी गए और हमारी बच्ची भी काट गए। तो कौन से महाराज नारायण एक नीचे माधवी ही दिया जगह देतम, पापी ने कहा नारायण और वो कटक करे वहां बोले मत डरो और ले गए, हमको खुला दिया भगा दिया वहां से। सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये बात धर्मराज के दूतों ने पूछी तो धर्मराज जी को बड़ा आनंद हुआ, बरम सादा अंगदम हरे है, बोले कि देखो भगवान हमको इतना अपना समझते हैं और हमारा कोई संकोच नहीं लिहाज नहीं, और संकोच लिहाज को पराए करने किया जाता है। बोले सच है हमारे प्यारे दूतो, एक परमेश्वर है वो जड़ चेतन दोनों से परे है और वो मुझसे बिल्कुल अलग है। मैं तो एक देवता हूँ, कर्म से बना हूँ, और वो तो संपूर्ण विश्व का जो मसाला है मैटर है उसमें कपड़े में सूत की तरह एक अप्रोच है, उसी में सृष्टि स्थिति प्रलय नाश होते हैं, उसी के दस में ये सृष्टि है। जो दस्त्रों का नाम अलग अलग रख देता है और अपनी देव दानी से सबको बांध लेता है, उसी में सब लोग बंधे बंधे बोलते हैं, नाम कर्म निर्बंध बद्धा, उनको आग्रह हो जाता है कि हम कंगन लेंगे कुंडल नहीं, हम हार लेंगे और नूपुर नहीं, और सब एक ही सोने का बना हुआ है, लेकिन नाम देख करके सकल पूरक देख के। बचपन में दिवाली के दिन हो हम लोगों के घर में खाड़ की बनी शक्कर की बनी मिठाई आती, खाड़ का घोड़ा, खाड़ का हाथी, खाड़ का गधा, खाड़ की औरत, खाड़ का मरद, और बच्चे आपस में मिठाई देने के लिए रोने लगते थे, हम तो घोड़ा लेंगे गधा नहीं लेंगे, तो देखो इसने हमको गधा दिया है ना, तो इसने तो हमको देखो औरत दे दी मर्द नहीं दी, आमी तो नारी नहीं लेंगे अमरा नहीं कर दो। अब सब खाड़े की तो बनी हुई है, तो यही नाम रूप के चक्कर में लोग ऐसा फंस जाते हैं संसार में कि असली जो चीज है उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। इन्हें नाम कर्म निर्बंध बद्धा चकिता अभंते, नाम कर्म के आग्रह से बंध करके ये भयभीत संसार में बोल रहे हैं। जमराज ने कहा मैं
महेंद्र नीति प्रतीता बड़े बड़े देवता बड़े बड़े प्रजापति बड़े बड़े नरेश बड़े बड़े ऋषि मुनि ये भी महाराज भगवान की माया के चक्कर में आ जाते हैं और उनकी इच्छा को नहीं समझ सकते हैं। तो कोई भी चाहे कि हाँ मन वाणी से परे उस परमेश्वर को दृश्य बनाकर देख ले नहीं देख सकते। आत्मा मंत्र हृदय संतमात्मनाम चक्षुर्जसैवा कृतयस्ततः परम। जैसे कोई सकल सूरत आकृति आकृति जो बनती है सोने में लोहे में मिट्टी में आकृति क्या है कि हम आंख को देख ले, आंख से आकृति दिखती है आकृति से आंख नहीं दिखती। इसी तरह आत्मा परमात्मा से संसार दिखता है संसार से आत्मा परमात्मा नहीं दिखता। देखो दृष्टांत कितना बढ़िया है आप ध्यान दो इस बात पर। चक्षुर्जसैवाकृतयस्ततःपरम जैसे आकृतियां आंख से नहीं देख सकती ऐसे महाराज ये संसार के लोग आकृति मात्र हैं अपने प्रकाशक परमात्मा को इद निष्ठंतया नहीं देख पाते। इसलिए उसी के प्रभु के ये दूत हैं बड़े सुंदर। जैसे महाराज जो तो अपने सेवकों को भी अपने जैसे ही रखता है तदरूप गुण स्वभाव जैसा परमेश्वर का रूप है गुण है स्वभाव है वैसे ही उनके सेवकों का पार्षदों का भी जो भक्तों की रक्षा करने के लिए विचरण करते रहते हैं। अब कोई सी बात सुनो धर्म की। धर्म के निर्माता हैं भगवान देवता और ऋषि भी उसके रहस्य को नहीं जानते हैं। जब तक महाराज परमेश्वर से अभेद का ज्ञान नहीं होता और एक बात और है केवल अभेद का ज्ञान नहीं ये कच्चे ज्ञानी लोग तो बड़े अनर्थ करते हैं महाराज क्योंकि वो आत्मा को व्यतिरिक्त रूप से तो जानते हैं और अनेक रूप से नहीं जानते। मैं सबसे मेरा हूं ये तो जानते हैं पर मेरे सिवाय और कुछ नहीं सब मैं ही हूं ये उनको मालूम नहीं करता। तो बड़े बड़े ज्ञानियों की समझ में भी ये बात नहीं आती है। जब अभेद का अनुभव होता है परमात्मा से तब धर्म का स्वरूप समझ में आता है। कहीं अनुयाय नहीं कहीं पक्षपात नहीं सर्वत्र समवर्तन। ये 12 जने ऐसे हैं जो धर्म के रहस्य को ठीक ठीक समझते हैं। ब्रह्मा नारद शंकर सनत कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलि सुखदेव और धर्मराज द्वादशैते विजानी मे धर्मम भागवतम भटाः। भगवान के धर्म को समझना कोई हंसी खेल नहीं है। वो दस्तावेज निकाल के कानून की किताब निकाल के वो नहीं समझा जाता। गोपन राज अपने स्वरूप धर्म क्या है अपने स्वरूप का ही निरूपण है। दिव्य है विशुद्ध है दुर्बोध है यदि धर्म को कोई समझ जाए तो उसको अमृतत्व का आस्वादन प्राप्त होता है। तो देखो इस लोक में धर्म का इतने सबसे श्रेष्ठ रूप है कि किसी भी रीति से ये जो टुकड़ा टुकड़ा कतरा कतरा हो गया है ना इसमें से अपनी प्रीति को निकाल करके नाम का उच्चारण कर लो पूजा कर लो ध्यान कर लो भगवान की भक्ति अपने हृदय में स्थापित हो जाए। एतावानो लोकेऽस्मिन् इंसान धर्म पर स्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यत पुत्रका अयाम लोक जे नैव मृत्यु काशादनुच्यता। मेरे नन्हे नन्हे बच्चों देखो भगवान के नामोच्चारण की महिमा कि अजामिल जैसा पापी भी पाप से मृत्यु के फंदे से मुक्त हो गए। बस बस एक आवता अलाम और कुछ करने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण पाप पाप को मिटाने के लिए भगवान के गुण कर्म नाम का संकीर्तन करो। अजामिल सरीखा पापी भी और अपने पुत्र के लिए नारायण नाम लेकर पुकारता है मरते समय और मुक्ति को प्राप्त होता है। तो भाई मूल बात यह है
कि प्रायेण वेद सदिदम् नमः जनोऽयम् देव्यादिमोहितमतिर्वतमायालम् प्रज्ञाम् जवीकृतमतिर् मधुपुष्पितायाम् वैशालिके महति कर्मणि युज्यमानः। जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इनको इस धर्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि माया देवी ने इनकी बुद्धि को अपने वश में कर ली है। प्रज्ञान जदी कृतम अतिर मधुपुष्पितायाम्, अरे ये करो तो तुमको स्वर्ग में अक्षरा मिलेगी, वहां अमृत का चश्मा मिलेगा, वहां हीर मिलेगी, दिल में मिलेंगे। तो क्या बोले, धर्म का यही फल है, धर्म का यही फल है कि शरीर सुंदर मिलेगा, भोजने को अक्षरा मिलेंगी, पीने को अमृत मिलेगा, घूमने को पार्क मिलेगा, है और हवाई जहाज पर चल के चारों ओर घूमने को मिलेगा, मुफ्त का टिकट मिलेगा, मुफ्त का टिकट, जिनके एक मुफ्त का होटल, मुफ्त की सरकारी का और मुफ्त का पोपान, ये धर्म का फल है। ऐसी बात को सोचने में भी महात्माओं को, महापुरुषों को शर्म आएगी, ये कोई धर्म का फल है? प्रज्ञाम जदी कृतम अतिर मधुपुष्पितायाम्, कितने मीठे मीठे फूल हैं और फल लगा रहा, सुनने में कितना मीठा मधुपुष्पिता बाणी, ये मत समझो कि भागवत में भी है, गीता में भी ऐसे ही है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन से विपश्चिता वेद जागरता पार्थ नान्यवस्ती जागिना काम आत्मान, क्या जाली दी है कृष्ण, कृष्ण बहुत मजेदार है, काम आत्मान स्वर्ग परा जन्म मृत के फल प्रदान क्रिया विशेष, और जो लोग हैं जिससे रामचंद्र भगवान को कुछ बोलना है तो जाली नहीं देते, ये महाराज कृष्ण हीरो में देखी दो कल्पी में आती है, पड़े बिना नहीं रहता है ना, प्रथमात्मान स्वर्ग करा जन्म मृत्यु फल प्रदान, इतनी गाली हमारा एक बार ये शास्त्रार्थ महारथी है ना दिल्ली के आध्याचार्य महाराज, ये गए थे बंबई तो इन्होंने बताया कि हमने खोज किया है और गीता में रिसर्च की है, इन्होंने कहा देखो बड़ी सभा में बात कर रहा कि श्री कृष्ण से 108 गाली दी है, दिग्ध निष्ठान है, ये महाराज कृष्ण की जो दाणी है ना वो विलक्षण, प्रज्ञान जदि कृतम अतिर, इनकी बुद्धि ज्ञान हो गई है, ये करो ये करो ये करो, बस ये खिले हुए फूल से देख सकते हैं तो भी निर्गंध, वही शांति महति कर्मण विद्यमान, बड़े भारी विस्तार के सामने ये लग जाते हैं, और ये भगवत भक्ति जैसी भगवत नाम तरीका जो सुगम मार्ग है इसको नहीं जानते हैं, तो विद्वान पुरुष इसको ठीक ठीक समझ लेते हैं, भगवान में अपना भाव जोड़ते हैं, उनको दंड बिल्कुल नहीं दिया जाता है, यदि कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो भगवान का नाम उसको मिटा देता है, और ये भगवत शरणागत जो भक्त हैं, अरे वो मेरे भी तो जाना नहीं, भगवान की पार्षद उनकी रक्षा नहीं करते, भगवान भी नहीं करते, बोले कौन करता है कि अपनी गदा को ही भगवान देख देते हैं, तो वो देखती नहीं है कि ये कौन है ना, ये बड़ा है कि छोटा है, वो तो महाराज जो भक्त का अनिष्ट करने लगे और कोई भी हो कि हाथना शुरू कर दुर्भाषा जी को पीट दिया, देखो ब्रह्मा जी को पीट दिया, दुर्भाषा जी को पीट दिया, भगवान की गदा भक्तों की रक्षा करती है, मत जाना देशान दईशान दयान न तो दया प्रभाव मंगे, हम उनको दंड नहीं दे सकते, देखो इन दुष्टों को हमारे पास लाओ जो भगवान के पादार बिंद के मकरंद रस से हमेशा विमुख रहते हैं, जो परमहंस महात्माओं के पास से कभी नहीं जाते हैं और नरक के रास्ते में अपनी कृष्णा नाम से बैठे हुए हैं, जिनकी जीत पर भगवान का नाम नहीं है, गुणानुवाद नहीं है, जिनके चित्त में भगवान की स्मृति नहीं है, जिनका सिर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार नहीं करता है, उनको लाओ जनपुरी में, उन्होंने भगवान की सेवा नहीं की है, भक्तों को लाने का कभी प्रयास मत करना,
तो दादा तुम लोगों से हुई गलती तुमको हमारे ही है, शेर की गलती है और तो मालिक उसका जिम्मेवार होता है, तो हमारे सेवकों ने जो गलती की उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। इसलिए भगवान नाम का जो संकीर्तन है, तस्मा संकीर्तनम विष्णु है जगन मंगल मम्भता, यही तो भागवत धर्म है ना। जो पहले जो जमराज के गीतों ने सुनाया था वो मानव धर्म के अनुसार था, और ये जो धर्मराज ने सुनाया है ये भागवत धर्म के अनुसार है। भागवत में जो पूर्व पक्ष है और ये उत्तर पक्ष, जो इसकी पूर्व मीमांसा है और ये इसकी उत्तर मीमांसा है। इसलिए भाई भगवान के नाम को गाओ, भक्ति जब हृदय में आएगी तब आत्मा सिद्ध हो सकता है। जिसको भगवान के चरणों से पता लग जाता है, चरणारविंद के रस का सच्चा है ना, वो फिर दुनिया के स्वादों में भटकता नहीं है, और नहीं तो आदमी काम के बस होकर यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। आपी नहाय होंगे तब भी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपने ऊपर डाल लेता है। तो तभी से ये जमराज के जो दूत हैं वो किसी भक्त के पास नहीं जाते। अब ये जो इतिहास है इसको और ऋषि ने नहीं, महाराज अगस्त ऋषि ने, आप जानते हैं अगस्त ऋषि वो है बड़े विचित्र समुद्र ही सिखा दिया हो, महाराज हुए समुद्र पर तो चुंडी में उठा के समुद्र पी गए, विंध्याचल में रास्ते में दक्षिण उत्तर भारत के बीच में व्यवधान डालने की कोशिश की तो कह दिया कि लौट जाए बेटा उतना न, जो पहाड़ को नीचा कर देने वाले, समुद्र को सुखा देने वाले अगस्त के ऋषि मलय पर्वत पर पवित्र स्थान में बैठकर और एक हाथ में चालक ग्राम को लेकर ये अजामिल की कथा सुनाते हैं, ये बिल्कुल सच्ची है। इस पर शंका करना शंका करने वाले के लिए भी पाप है। इस प्रकार नाम की महिमा के प्रसंग में श्रवण स्मरण, श्रवण कीर्तन और स्मरण सीधे के हिसाब से तीन अध्याय में ये बात कही गई है, और अब नरक की तो कोई चर्चा ही नहीं है। इसके बाद महाराज वर्णन करते हैं कि वर्णन करते हैं कि वो जो प्रकेताओं का पुत्र हुआ दक्ष, ये दक्ष जो है वो सृष्टि करने लगा। तो सृष्टि में दास ये हुई, अभी एक बात और पहले सुना दें कि प्रकेता लोग बड़े भगत, शंकर जी उनको मिले, विष्णु भगवान उनको मिले, बड़ी भारी तपस्या उन्होंने की, सब कुछ होने पर भी उनकी वासना मिटी नहीं थी। जगा तो देखा उन्होंने यही धरती तो जंगलों से भरपूर हो गई है, उनका राज कहां गया, तो आया गुस्सा। जब मनुष्य जैसा सोच के रखता है ना, अपने आप ही एक सपना बनाता है, और उस सपने के मुताबिक जब बात नहीं बनती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अरे बाबा तुम्ही ने तो सपना बनाया था, उसके अनुसार नहीं हुआ तो तुम्हारे सपने में सारी दुनिया शामिल हो जाए, ये कोई जरूरी है क्या? टूट गया और टूट गया तू। उसमें लोगों ने महाराज एक स्वप्न बना लिया था कि हमारे पिता पितामह का राज्य बड़ा संपन्न होगा और खूब खेती होती होगी, खूब धन दौलत होगी। आया तो उधर प्राचीन गर्भित हो गए थे साधु, और दुनिया जो है वो बिना प्रबंध के एकदम जंगलों से भर गई थी। तो उनको आया क्रोध और लगी आग, आग लगी तो सारे जंगल जलने लगे। अब महाराज आ गए, ब्रह्मा जी आए और बोले कि देखो जी ये जो वृक्षों की सृष्टि है ये प्राणियों के लिए बहुत हितकारी है, तुम लोग ये क्रोध करके इनको जलाते क्यों हो, सबके हृदय में भगवान है। असल में जो अपने हृदय में पैदा होते हुए क्रोध को रोक सकता है वो महाराज गुणा गुणातीत हो जाता है। गुणातीत होने का यही तरीका है कि इनको क्रियाशील न होने दें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जब इनकी आदत न आने दिया जाए अपने जीवन में तभी बढ़िया रहता है। अभी वृक्षों को जला करके तुम क्या करोगे,
ले उनकी दारक्षी जो कन्या है उसके साथ तुम विवाह कर लो। श्री भगवान क्रोध महाराज बड़ा भारत बन गई और बड़ी भारी चीज है। कम रुलब्धि थी जो सुख का झरना हमारे हृदय में आत्मा से साक्षात परमानंद की झूंझर झेरती रहती है, वो झरती रहती है। जब गुस्सा आता है तो वो जल जाते हैं, जल जाते हैं। कम रुलब्धि थी क्रोध की आग लग जाती है। और शुभ महाराज इसको तो रोक लेने अच्छा है, चुप हो जाए। क्रोध आने वाला हो ना तो हरि बाबा जी ने मौका बताया था, हरि अदालत में चुप चुप कोई देर में शांत हो जाएगा, एकांत में चले जाओ, भगवान का नाम लेने लग जाओ, है ना। बोले भाई तीन दिन चाय नहीं पियेंगे, नमक नहीं खाएंगे, तीन दिन दूध नहीं पियेंगे, तीन दिन बंद हो जाएगा। और 10 रुपया एक गरीब को देंगे, एक बार गुस्सा आएगा तो गरीब को 10 रुपया देंगे। तो महाराज कुछ न कुछ रोकने का उपाय मनुष्य को कर लेना चाहिए। इस तरह से महाराज क्रोध को ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देखो ये सारी की सारी जो सृष्टि है ये अक्रोध से चलती है। अब वो तो चले गए, उन्होंने दारक्षी कन्या से विवाह किया, अब उन्हीं से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो बड़े महाराज प्रभावशाली व्यक्ति थे। परंतु मन से तो सृष्टि नहीं बढ़ती है ना, मन से जब सृष्टि नहीं बढ़ी तब वो गए विंध्याचल पर, क्योंकि बिना तपस्या के शक्ति जो है वो नहीं बढ़ती है। दुष्कर तपस्या उन्होंने की, वहाँ अघमर्षण नाम का एक तीर्थ है, उसका स्पर्श करके तपस्या से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया और हंस गुर्ज स्त्रोत्र से भगवान की स्तुति की। प्रजापति रुवाच नमः पराया विकथानुभूत गुण प्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्ट भावने गुण तत्व बुद्धि निवृत्त मानो गधे स्वयं भुवे। हम स्वयं प्रकाश परमात्मा को जो प्रमाणों से परे हैं उनके लिए नमः का आधान करते हैं, नमः धारण करते हैं, नमो नमः मुख्य बोलते हैं। वो महाराज अपने इसी शरीर में रहता है परमेश्वर, लेकिन जीव को वो मालूम नहीं करता है। देह मन प्राण भूत मात्रा ये सब अपने से परे वैसे ही परमेश्वर को नहीं जानते जैसे आकृतियां चक्षु को नहीं जानते, परंतु परमेश्वर सबको जानता है। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। जब हमारे मन और नाम रूप की वासनाएं शांत हो जाती हैं तब केवल स्वरूप रूप की उसका अंतर अनुभव होता है। विद्वान लोग अपने हृदय में ही उसका अनुभव करते हैं। ये जितनी विशेषताएं हैं ये सब माया की हैं, इनका निषेध कर देने पर ही परमेश्वर का अनुभव होता है। सर्व नामा सच विश्वरूप, सारे नाम उसके हैं और सारे रूप उसके हैं। कोई वाणी से विभाग करके गति बताना चाहे तो नहीं बता सकता है। जो कुछ हम वाणी से बोलते हैं, जो कुछ मन से बुद्धि से सोचते हैं, वो सब माया का विलास है और संसार फैल रहा है। उसी में उसी से वही अनेक रूप में प्रसिद्ध है। यक्षत्रयो जगताम वादिनाम विवाद संवाद भुगो भवन्ति उर्वन्ति चैषाम मुहुरात्ममोहम् तस्मै मनोऽनन्त गुणाय भुवने। दो चंद्र का अपराध करने बैठे, एक जब बोलने लगे तो भगवान भीतर बैठ के बोले तो देख ऐसे बोल ऐसे बोल ऐसे बोल, उसका पक्ष बिल्कुल ठीक बन जाए। अब जब दूसरा बोलने लगे तो उसके भीतर भी जाकर उन्हें कहें ऐसे बोल तो उसका कट जाएगा। इसका काटने को इसको सिखाना है, इसका काटने का इसको सिखाना, वो तो बिजली है महाराज, है ना। पंखे में भी चले, दोनों तार में बहे, आपस में लग जाए, आग लगाए, बिजली तो बिल्कुल एक ही है। ये परमेश्वर जो है महाराज बाजी प्रतिबाजी दोनों की स्थिति में रहता है, दोनों गति में तो सिरम देता है, दोनों जगह को जो परस्पर विरुद्ध फैसला देते हैं दोनों को शक्ति परमेश्वर से ही मिलते थे। अस्ती नास्ती पुनिश्चयो हो एक स्थलो भिन्न विरुद्ध धर्मयो हो
अवेक्षितं किंचन योगसांख्ययोः समान्तरं अनुकूलं बृहत्तत। योग और सांख्य अलग अलग बात कहते हैं। उपास के लोक उपास के परमेश्वर में बड़ा भारी पाताल लोक है और ये सब स्वर्ग से लेकर के पाताल लोक सब परमेश्वर के स्वरूप में है। सांख्य का कहना है ये परमात्मा की ये सब कुछ नहीं है, परंतु एक कहता है कि परमात्मा में सब है, एक कहता है परमात्मा में कुछ नहीं है, अस्तित्व नास्तित्व। दोनों दो तरह से बोलते हैं महाराज और अलग अलग बात कहते हैं, किंतु दोनों में एक ही समरूप से वर्तमान है वो परमात्मा। विधि में भी वही है, प्रतिषेध में भी वही है और अविषय में भी वही है, विषय में भी वही है, अनुकूल भी वही है और विवादास्पद भी वही है। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ये सब परमेश्वर की लीला है। यही महाराज भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अनेक रूप अनेक नाम धारण करके प्रकट होता है और साधारण जो पुरुष है सबके हृदय में वही है और सब में सांस वही चल रही है। सांस कौन है? देखते हैं बस हमारी सांस, हमारा प्राण हमको बहुत प्यारा है। अरे दूसरे के शरीर में भी वही प्राण है भाई, वही श्वास है। तुम्हारा ही श्वास वो नहीं है, दूसरे का भी श्वास है। ये अपनी विशेषता धारण करके जो दूसरे का तिरस्कार है ना, यही तो सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप यही है कि हम विशेष हैं और दूसरा सामान्य है। असल में सब में सम परमात्मा है जो ईश्वर हमारे मनोरथ को पूर्ण करे। अब तो महाराज भगवान प्रकट हो गए, अब अघमर्षण क्षेत्र में विंध्याचल के पास अघमर्षण तीर्थ है, वहां तपस्या की थी। अब शब्द के जरूर पर चल करके आए महाराज सुपरनायन से और शंखचक्र गदा धनुष अष्टभुज होकर के आए। जहाँ अष्टभुजा देवी रहती है तो यशोदा, यशोदा की बेटी अष्टभुजा है, तो वहां जब भगवान भी किसी को दर्शन देते हैं तो अष्टभुज होते ही देते हैं। बहन अष्टभुज है तो भाई भी अष्टभुज है। अब महाराज बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए त्रिलोक के मोहन रूप सिद्ध गंधर्वादि उनकी स्तुति कर रहे, दत्ती ने उनको प्रणाम किया। अब तो भगवान तो सबके हृदय से जानते हैं, भगवान ने कहा दक्ष तुम सिद्ध हो गए तपस्या से, क्योंकि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में इतनी भक्ति है, मैं चाहता हूँ कि मेरी विभूतियाँ तुम्हारे जीवन में भी प्रकट हों। ब्रह्मा शंकर ये सब आप लोग हमारे विभूति हैं, तपस्या मेरा हृदय है और विद्या मेरा शरीर है और क्रिया मेरी आकृति है और यज्ञ मेरे अंग हैं और धर्म मेरी आत्मा है और देवता मेरे प्राण है। अहम एवात्मैराग्रे नान्यत् चिन्तांतरं बहिः संज्ञान मात्रम अव्यक्तं प्रकृतमिव विश्वतः। भगवान कहते हैं कि जब ये दुनिया प्रकट नहीं हुई थी केवल मैं ही था और था ही था। दो बातें अग्रे तो इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि जहाँ मन पैदा होता है वहाँ आगे पीछे पैदा होता है। मन के बिना आगे और पीछे का अनुभव नहीं होता, इसलिए काल के क्षण मन के संकल्प विकल्प और सृष्टि के ये कण कण एक ही वस्तु है और एक ही गति में चलते हैं। मन की कल्पना काल के क्षण और संसार के कण एक गति में चल रहे हैं। भगवान ने कहा कि जब ये कुछ प्रगट नहीं हुआ था, मन भी नहीं था, तो सिर्फ मैं था और मैं ही था ही था, निष्क्रिय था। फिर मेरे ही स्वरूप में ये माया देवी जो है वो प्रगट हुई और मुझसे ये सारी सृष्टि हुई, ये सब के सब देवी देवता हैं। अब तुम दक्ष हो, मन से सृष्टि मत करो, क्योंकि मन जो है वो हमेशा एक तरीका नहीं रहता, जब बदल जाएगा तो मन की बनाई सृष्टि भी नहीं रहेगी। इसलिए पंच जन की जो पुत्री है अश्विनी, उसको पत्नी के रूप में तुम स्वीकार करो और उससे स्त्री पुरुष के संयोग से जैसे सृष्टि होती है वैसे सृष्टि करो और सृष्टि को बढ़ाओ। इसके बाद सारी सृष्टि दंपति के संयोग से, दंपति शब्द में जो ई है ना, दंपति
ये दीर्घ है, वो ह्रस्व नहीं है। हिंदी वाले ने उसको जबरदस्ती ह्रस्व बना दिया। दंपति माने दो, स्त्री और पुरुष दो, और दंपति शब्द नित्य विवचन है। अब दंपति धर्म से सृष्टि की वृद्धि होगी और सब लोग मेरी पूजा पत्र करेंगे, ऐसा कहके भगवान अंतर्धान हो गए। और दक्ष ने हरजस्व नाम से 10,000 पुत्र और 10,000 पुत्रों की सृष्टि उन्होंने की। इस सृष्टि का प्रारंभ एक समय ऐसा होता है जब सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के बढ़ाने का समय होता है, तब ब्रह्मा के अनुसार सृष्टि बढ़ाई जाती है। सृष्टि में एक प्रसंग वो भी आता है कि सृष्टि कम की जाए, तब रुद्र के प्रयोग से सृष्टि कम होती है। इसमें एक ही नियम जो धारण कर लेता है वो ईश्वरीय नियम को ठीक नहीं समझता है, और प्रसंग बस सृष्टि बढ़ती भी है, प्रसंग बस घटती भी है। अब वो सब के सब महाराज एक तरीके और प्रति की दिशा में तप करने चले गए नारायण सरोवर पर। वहां उनका हृदय हो गया शुद्ध और परमहंस धर्म में उनकी मति प्रवृत्त हो गई। तो देवर्षि नारद वहां पहुंच गए और बोले कि अरे हरजस्व, तुम लोगों ने ये क्या सृष्टि बढ़ाने का निश्चय किया है? कथम सुरक्षित बड़ी प्रजा है, तुम लोग प्रजा की सृष्टि कैसे करोगे? क्या तुमने एक पुरुषम राष्ट्रम दिलम क्या दृष्ट निर्गमम, एक ही पुरुष है जिसने उस देश को तुम लोगों ने देखा है, उसको देखे बिना और वो दिल तुम लोगों ने देखा है जिसमें से निकलने का रास्ता नहीं है, और वो स्त्री देखा है तुमने जो बहुत रूप धारण करते है, उस माया पुष्कली के पति को तुम जानते हो, उस नदी से तुम्हारी जान पहचान है जो दोनों ओर बहती है, उस अद्भुत घर को देखा है तुमने, वो चित्र विचित्र बात करने वाला हंस तुम्हारे दर्शन में आया, तो उस कार को तुम लोगों ने देखा है जो अत्यंत तीक्ष्ण है, सबको नष्ट कर देता है, अपने बाप की आज्ञा को समझते नहीं हो मूर्खो, और चाहते हो कि हम स्वर्ग करेंगे। अब तो महाराज ये सुन करके ये जो हरजस्व है ये लगे विचार करने कि आखिर बात क्या है। बोले कि देखो, ये जीव जो है इसी का नाम है भू, और ये अपने बंधनों में लिंग शरीर में ही ये बढ़ा हुआ है, लिंग शरीर इसका बंधन है। अब इसको यदि अपने आप को कोई न समझे और दुनिया भर का काम करे तो इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और बंधन प्राप्त होगा। बोले कि देखो, सरस गुर्ज है, परमेश्वर एक है, यदि उसको किसी ने नहीं देखा और कर्म किया अभिमान से ईश्वर को अर्पित नहीं किया, तो जो कर्म ईश्वर को अर्पित नहीं होते वे बंधन के हेतु होते हैं। तो नारायण, ये ऐसे कर्म करना कि जिनसे स्वर्ग आदि नश्वर फल की प्राप्ति हो, जिनसे अशांति बढ़े, जिसमें अज्ञान निवृत्त न हो, ना समझी से जो प्राप्त हो, ऐसे कर्मों को माइक कर्मों को करके यदि कोई संसार में सुखी होना चाहता है तो नहीं हो सकता। जो ईश्वरीय शास्त्र को छोड़ करके और विविध पद को न जान करके ये धर्मिक कर्मों में लगा हुआ है, और जिसमें मालूम पड़ता है कि ये हम स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल मिथ्या स्वातंत्र है, तो इन कर्मों से तो कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार उन लोगों ने निश्चय किया और ऐसे रास्ते से चले गए महाराज, जहाँ से लौट करके नहीं आया जाता। नारद जी ने वो मार्ग दिखा दिया जिससे मनुष्य लौट के नहीं आता, और नारद जी ने तो वो धीमा अपने उठाई और हरि हरि गुण का गान करते हुए और बीना बजाते हुए अपना मन भगवान में लगा करके और अलग से दूसरी तरफ चले गए। अब जब दक्ष को मालूम हुआ कि ये बाबा जी ने हमारे बच्चों की अकल बिगाड़ दी, क्योंकि ये बड़े बूढ़े लोग तो यही समझते हैं ना कि हमारी अकल जो है वो बिल्कुल ठीक, बच्चों को तो कोई छोड़ ले गया, और नारद जी की अकल का तो कोई आदर ही नहीं उनको, तो बड़ा शोर हुआ महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, सुप्रजस्व सुचाम पदम, अच्छे बच्चों का होना बहुत दुखदायी है,
देखो यहाँ यही वचन है, अन्न सत्य कस्तोकम। प्रजापति जो है, दक्ष जो है, वो अपने बच्चों के लिए शोक करते हुए जलने लगे। क्यों? तो सुप्रजत्वम सुशाम पदम, अच्छी संतान होने से भी बड़ा दुख होता है। अब महाराज फिर ब्रह्मा जी ने समझाया बुझाया, तो एक हजारों बच्चे उन्होंने कबलाप सुनाम के और पैदा किए। अब ये भी गए तपस्या करने और कई महीने तक वहाँ तपस्या करते रहे। नमो नारायण आय। तो नारद जी महाराज वहाँ भी पहुँच गए, बड़े खिलाड़ी भगवान की दीदा। असल में यदि मनुष्य का संकल्प पूरा ही पूरा होता जाए और कभी टूटे नहीं, तो ईश्वर को दुनिया में कोई नहीं मानेगा। कोई नहीं मानेगा, ये चंद्रगा हम ही ईश्वर है। जो हम सोचते हैं सही हो जाता है, जो हम करते हैं सही हो जाता है। तो ईश्वर कभी कभी अपना वैभव प्रकट करने के लिए बड़े बड़े लोगों के संकल्प को भी तोड़ देता है, और जिसका संकल्प तोड़ता है उसके ऊपर उसकी बड़ी कृपा है, वो ऐसा समझना चाहिए। हमारे मन का हो ये तो बड़ा भारी अभिमान की बात है, भगवान इस अभिमान को तोड़ता है। अब तो महाराज नारद जी ने आए थे, फिर से कहा, अरे तुम लोग अपने भाइयों के रास्ते पर चलो, छोटे भाई का काम है बड़े भाई के रास्ते पर चलना। अभी तो सिखा पढ़ा के चले गए महाराज, वो भी उसी रास्ते में गए और लौट करके नहीं आए। अब वहाँ दक्ष के घर में होने लगा अशगुन। और देखो बाबा, दक्ष को क्रोध, और किस पर आया? देखो तो नारद जी पर आया। अब ये नहीं देखा वो कि नारद जी कहाँ भगवान के भक्त हैं, विरक्त हैं, महात्मा हैं। अब तो पुत्र का ऐसा शोक आया कि नारद जी का क्रोध। इसी बीच में नारद जी को तो कोई परवाह नहीं, और हमारा क्रोध करके कोई क्या बिगाड़ लेगा? अरे जो हम छोड़ चुके हैं वही ना बिगाड़ेगा। दोनों हाथ उठा के जब नंगे होके चले थे, है ना, कोई कुछ लेके थे नहीं चले थे, तो बहुत तो गुस्सा करेगा तो क्या करेगा? बिल्ली नाराज होगी तो क्या करेगी? और छीका तोड़ी पर बड़ा क्रोध उसके आया, उसके देश फटने लगे। अरे देश है ये साधु के देश में, महाराज जब क्रोध आता है ना तो आदमी क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको पूछता नहीं है। तो इसने बच्चों को भिखारी बना दिया, बाल भिक्षा दे दी इसने। अभी इन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, कर्म मीमांसा नहीं की, और कोई जग दादा भी नहीं किया, बड़ा निर्दय है। और महात्मा लोग तो सबका भला करते हैं, ये ऐसे सबको बैरागी बनाता फिरता है। जब बच्चे अनुभव करेंगे कि संसार में क्या सुख दुख है, तब उनको बैराग होगा। ये खेल लिया इसने हमारे बच्चों को, और महाराज आया क्रोध। ये असल में अपने मन को ऐसा रखना चाहिए कि ताना मार के किसी पर न बोले। वाणी में एक संयम रखना चाहिए, जब व्यंग करने की आदत पड़ जाती है तो वो फिर ईश्वर पर ही व्यंग करने लगता है। जो बोले कि अरे तूने तो हमारे वंश का नाश कर दिया बाबा, या अब तेरी कुटिया कहीं नहीं बनेगी, न भरे भ्रम तक कदम भटकते रहोगे जिंदगी भर, वहां से वहां, वहां से वहां। बोले हम तो चाहते थे कि पास घर में भिक्षा मांग के खाएं, अच्छा किया दक्ष तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। नारद जी ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुटिया नहीं बनेगी, केला चाँसी नहीं आएंगे, परेशान नहीं करेंगे, है ना। अरे तुमने तो भक्ति करने का बड़ा मौका दिया है। एक आवाजेश्वर स्वयं नारद चाहते तो बदले में साथ दे देते, लेकिन साधुता तो इसी का नाम है महाराज। ये संसारी लोग जिनको कुछ विवेक ही नहीं है कि कैसे क्या दुनिया में होता है, वो लोग भी महात्माओं को साथ देते हैं। अब तो दक्ष ने दे दिया साथ नारद जी को। अब इसके बाद बहुत ब्रह्मा जी ने करौली मिलती की दक्ष की। अब उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा, बेटा पैदा करता है तब तो ये दादा भी बना देता है नारद, अब तो बेटी पैदा कर, तो बेटियों को चेला कैसे बनाएगा? बेटियों को चेली बना के फिर बोलेगा इधर उधर, तो महाराज बेटी बेटी पैदा करी। अब धर्म के 10, कश्यप को 13, चंद्रमा को 27, धूत को 2, अंगिरा को 2, प्रशास्त्र को 2, और फिर महाराज कश्यप जी को ब्याह करने का बड़ा था। तो 4 छिदन करके आए और 4 और ले गए।
इन्हीं के दंश से ये सारी सृष्टि जो है वो पूरी हो गई। अब उनके दंश का वर्णन है, इनके पास से नाम का उच्चारण करने से भी पाप में है ना। ये जो लोग कहते हैं यहाँ से ये निकाल दो, यहाँ से ये निकाल दो, कुछ लोगों ने ऐसा पाप्रण किया, तो इनको मालूम नहीं है कि सारा ग्रंथ केवल समझने के लिए नहीं होता है, कुछ केवल पाप के लिए होता है। तो जो प्रसंग ऐसे होते हैं उनके पाप से ग्रंथ पूरा होता है और ग्रंथ पूरा करने का पुण्य होता है। तो जो लोग इन शास्त्रीय आर्ष वैदिक ग्रंथों में से कुछ हिस्सा निकाल देते हैं तो वे भी पाप के भागी होते हैं। तो महाराज ये सारी वंशावली जो है, सारी वंशावली देवताओं की और वैश्यों की कैसे दक्ष से चली, इसका इस प्रसंग में वर्णन किया गया। ये दीति भी उन्हीं की लड़की और अदिति भी उन्हीं की लड़की और बनु भी उन्हीं की लड़की, ये सारे वंश का महाराज वर्णन किया। इसके बाद वर्णन करते हैं कि इसी में जो रचना हुई था उसके सन्निवेश हुए और सन्निवेश से विश्वरूप हुए और विश्वरूप यद्यपि क्षत्रियों के दौहित्र थे तथापि देवताओं ने पुरोहित के रूप से उनका दरण कर लिया। कब किया? कब बोले जब गुरु जी ने उनका परित्याग कर दिया था, देवताओं का परित्याग। ये गुरु जी की जो नाराजगी है ना, उसके कारण देवताओं को दूसरा पुरोहित बनाना पड़ा, क्योंकि पुरोहित के बिना तो महाराज धर्म कर्म का काम चलता ही नहीं है। वंशावली का नाम हमने जान बूझ के छोड़ दिया, उनके वो उनके वो उनके वो है ना, जिनकी गिना नहीं तो कोई खास बात नहीं है, और पास करना है तो आदमी को कर लेना चाहिए उसका। अब महाराज राजा ने पूछा कि ये शिष्य होकर के अपने गुरु का अतिक्रमण कैसे करते हैं। इस पर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इंद्र प्रभुवन ऐश्वर्य मदे लंघित सत्पथ मरुद्भर बसुधी रुद्री आदित्य ऋभुभर निगत। इंद्र को त्रिभुवन का ऐश्वर्य मिल गया, तो ऐश्वर्य का होता है नशा, ये साधारण लोग नहीं जानते हैं, पर हमारे गांव के बड़े बूढ़े लोग इस बात को जानते हैं। मेरा जहां हम लोगों के घर में कभी 40-50 रुपया इकट्ठा हो जाए, हम तो अपने घर की चक्की जानते हैं, 40-50 रुपया इकट्ठा हो जाए तो समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए, इतना और उधार देने लगते थे, 10 रुपया किसी को उधार देते, 20 रुपया किसी को उधार दे दिए। तो वहां ये प्रसिद्ध था कि 100 रुपया जब किसी के पास होता है तो उसको एक बोतल पीने का नशा हो जाता है। ये हमारे गांव में ये कहावत प्रसिद्ध थी, इंद्र को ले गई त्रिभुवन की ईश्वरता, ऐसा नशा हुआ महाराज उल्लंघित सत तथा। जब मनुष्य को गर्व संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके घमंड होता है, उसको दृत्य थे दृत्य धर्म अतिक्रामते, जब घमंड हो जाता है तब मनुष्य धर्म का उल्लंघन करने लगता है। अब अपने देश महाराज, अब महाराज ऐसा देखने में आता है कि जब किसी के पास कोई वैभव आता है तो सब लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, चमचा इकट्ठे हो जाते हैं चमचा, और कहेंगे कि आप ही सबसे श्रेष्ठ महात्मा हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप जो करते हैं सो ठीक है, जो मरुद गण बसु गण रुद्र आदि देश सब इकट्ठे हुए सब उनके आगे सब उन्हीं की चर्चा करें, इंद्र जी आप सबसे बढ़िया हैं, उनको सबसे उनके आसन पर बैठा दिया और एक छत्र लग गया चंद्रमंडल उनके सिर पर और सब लोग उनकी स्तुति करें। इसी बीच में महाराज एक दिन वो भरी सभा में बैठे हुए थे कि उनके धर्माचार्य देवगुरु बृहस्पति जी आए। अब उन्होंने महाराज जरा अपनी नजर जैसे देखते ही न हो ये ही कर ली, और प्रत्येक समासनादि ही न तो अपने गुरु जी के लिए उठे न तो उनको आसन दिया। अब तो महाराज इस बिल्कुल हिले डोले नहीं, स्वयं बाचस्पति मुनिवर उनकी सभा में आए, तो उन्होंने देखा कि ये हमारा चेला जो है अब घमंडी हो गया, तो झट वहां से लौटकर अपने घर आए। जब वो चले आए तब इंद्र को पूरा करे, मैंने तो गुरु का पुरस्कार किया है,
तो भरी सभा में अपने को धिक्कारने लगे, मेरी अक्कल बहुत मोटी है, मैंने ईश्वर के मर्द से मतवाला होकर के भरी सभा में अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया। ये लक्ष्मी महाराज जिसके कारण नशा हो जाता है, असल में लक्ष्मीपति और भूपति ये दोनों भगवान हैं। भू देवी भी भगवान की पत्नी और श्री देवी भी भगवान की पत्नी। जो लोग इनको अपना भेद समझते हैं वो भगवान के दरबार में अपराधी होते हैं, और इसके कारण भगवान की पत्नी को अपना भोग समझने के कारण इनके अंदर आसुर भाव आ जाता है, और आसुर भाव हो जाने पर विवेक को खो देते हैं। जो लोग कहते हैं कि सिंहासन पर अभिषेक हो जाने के बाद किसी के लिए रुक करके खड़ा नहीं होना चाहिए, वे तो विनय धर्म का उल्लंघन करते हैं। विनय में धर्म रहता है, अभिमान में धर्म का विकास नहीं है, वो तो एक कुमार्ग का उपदेश करते हैं। और वे लोग जैसे पत्थर की नाव डूब जाए वैसे डूब जाते हैं। अब तो मैं जाकर अपने गुरु जी को प्रसन्न करूंगा। अब ढूंढने गए महाराज को बृहस्पति जी का कुछ पता नहीं लगा, इतने में दुश्मनों को पता चल गया। दुश्मन लोग तो इस काल में रहते हैं कि कोई छिद्र है, जब महाराज हम किसी से नाराज होते हैं ना तो उसकी निंदा करने वाले हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। इनके अंदर ये गलती, आपको मालूम नहीं, इनके अंदर ये गलती, बिल्कुल घिर जाते हैं हमसे। और जब हम किसी से खुश हो जाए तो उसकी तारीफ करने वाले हमारे पास आ जाते हैं। रोज ये बात देखने में आती है, वो तो लोग रुख देख करके उनसे कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। अब तो महाराज तुरंत दुश्मनों के पास खबर पहुंच गई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, देवताओं के घर में आग लगा दो। झक अपने गुरु जी के पास गए शुक्राचार्य के, और तुरंत उनसे सलाह करके और चढ़ाई कर दी। ईश्वर के ऊपर का छिद्र मिल गया। अब देवता लोग बिचारे और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के हृदय में बड़ी करुणा आई, उन्होंने कहा कि देवता तुम लोगों ने बड़ा भारी अभद्र किया है, हमने ऐसा देखा है महाराज, चींटी के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो हाथी को मार, इतने छोटे छोटे आदमियों में वो शक्ति देखने में आई, वो शक्ति देखने में आई कि पहले कुछ कल्पना ही नहीं होती थी कि ये भी कुछ है, ये भी कुछ बिगाड़ सकते हैं। अब तो महाराज दैत लोग वो बढ़े और देवताओं को वो बताया कि ब्रह्मा जी ने कहा अभद्रम वस्तुतम महत, तुमने बहुत बुरा काम किया है, इतने बड़े दानव ब्राह्मण का ऐश्वर्य के कारण तुमने अभिनंदन नहीं किया, अब लो इस अन्याय का फल तुम्हें भोगना कर रहा है। तो देखो तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो बढ़ रहे हैं, और गुरु का अपराध करने के कारण तुम घट रहे हो, तो जैसे उन्होंने शुक्राचार्य की शरण ली है वैसे तुम्हें भी शरण लेनी पड़ेगी। ये स्वर्ग तो क्या बनते हैं, जब तक ब्राह्मण का, गोविंद का, गाय का, ईश्वर का आश्रय नहीं रहे तब तक मनुष्य की उन्नति नहीं होती। अब जाओ तुम लोग यही विश्वरूप, जो तुम्हारे शत्रुओं का दैहित्र है पश्चात का पुत्र, उसकी शरण ग्रहण करो। और एक बात और है, पहले ही बता देते हैं, उसके अंदर अपने नाना का खून तो है ही है, तो कभी गलती भी कुछ करेगा जरूर, तो यदि काम में गलती करे तो उसको क्षमा कर देना। असल में काम करने वाले से त्रुटि भी होती ही है, जो काम करता है धरती पर पांव रखता है उसके पांव के नीचे कोई न कोई तृण आ ही जाता है। सर्वारंभा दोषण भूमि नाग में जवाब रहता है, संसार में जितने बड़े बड़े आरंभ होते हैं जैसे आग के साथ धुआं रहता है वैसे मनुष्य के काम के साथ गलती रहती है। यदि अपने साथ काम करने वालों की गलती को माफ करते हुए नहीं चलोगे तो किसको कितना दंड दोगे, कितना दंड दोगे? छोटी गलती पर दंड दोगे, और जो फिर दोबारा आएगा वो बहुत बड़ी गलती करेगा। तो महाराज ऐसा समझाया कि सब लोग अपने दुश्मन के दैहित्र के साथ गए। देवता बोले हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि होकर आए हैं, तुम्हारे बड़े हैं, तुम हमारी प्रार्थना का पालन करो, क्योंकि छोटों का धर्म है कि बड़ों की सेवा शुश्रूषा करें, तुम तो ब्रह्मचारी हो। आचार्य जो है वो ब्रह्मा की मूर्ति है,
पिता जो है वो प्रजापति की मूर्ति है और भ्राता इंद्र की मूर्ति है और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति है और बहन दया की मूर्ति है और आत्मा जो है धर्म की आत्मा स्वयं अतिथि है। अतिथि के रूप में स्वयं धर्म आता है। अभ्यागत अग्नि की मूर्ति है और अपने आत्मा कर्म प्रेमास्पद परमेश्वर की मूर्ति ही ये सारी सृष्टि है। इसलिए भाई देखो तुम लोग ये जो हमारे दुख आ गया है इसका तुम निवारण करो। हम तुम्हें उपाध्याय बनाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्राह्मण हो, गुरु हो, हम लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें ऐसा उपाय हमको बताओ। और देखो प्रयोजन के समय अपने से छोटे का भी पांव छुआ जाता है। न गर्हयन्ति हि अर्थेषु जगष्ठाङ्घ्रिवादनम्। मैंने सुना एकदम कहावत कि जब सलाम करने से ही मियां खुश हो जाते हैं तो दादा एक हाथ से कहा तो दोनों हाथ से कर लो। तो न गर्हयन्ति हि अर्थेषु जगष्ठाङ्घ्रिवादनम्। अपने से छोटे का भी पांव छूना पड़े और उससे कोई बड़ा काम बनता हो तो अपने को छोटा करके कर लेना चाहिए। ये उम्र का जो बड़प्पन है ये कुछ बड़प्पन नहीं है, ज्ञान का बड़प्पन ही सबसे बड़ा बड़प्पन है। अब तो महाराज विश्वरूप से बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि देखो ये जो पुरोहिती का काम है इसको धर्मशील लोग अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन तुम लोग इतने बड़े देवता होकर हमारे पास पुरोहिती करने के लिए आए हो तो उसको हम मना भी कैसे करें। देखो हम लोग तो अकिंचन हैं और जानते हैं महाराज हम तो ये रहस्य मालूम है। एक बार हमारे साथ था ना ब्रह्मचारी, वो हमारा कमांडर भी लेके चल रहा था। बंबई में बड़ी भीड़ थी तो महाराज धक्का लग गया एक आदमी से, कमंडलू गिर पड़ा खत पर, तो टूट गया बिल्कुल, टूट हो गया। और ये कमंडलू टूट गया कहाँ मिलेगा है ना। ये महाराज दूसरे दिन दस आदमी कमंडल लेके आ, तो स्वामी जी हमारी से हमारा स्वीकार करो, हमारा बहुत दिन की बात है ये, सन 56-57 की बात है। जब एक कमंडलू टूटा और 10 कमंडलू हमारे पास, एक महाराज हमारे बड़े सेवक थे तो उनके मन में कुछ बात आ गई, विचार आ गई, तो लोगों ने कहा कि अब कैसे चलेगा। तो उनको मैंने ये बात सुनाई कि देखो ऐसा हुआ है, तो बोले कि स्वामी जी आप ताना मारते हो, इसका अर्थ यही है ना कि मैं टूट गया तो क्या हुआ, तुम्हारे जैसे 10 आ जाएंगे, तुम्हारे जैसे 10 आ जाएंगे। तो महाराज हम तो अकिंचन हैं, हमारा धर्म है, हमारा धन है श्रीलोचन, और उसी से हमारा सब काम चल जाता है। ये पुरोहिती प्राप्त करके कि बड़े बड़े शेख जगमान मिल गए, बड़ी बड़ी सिखानीकरण खुशी है, अरे दादा सब शेखों का जो शेख है, सब सिखानियों की जो सिखानी है, वो महालक्ष्मी, वो महानारायण हो, महानारायण हमारे अपने हैं, तब दुनिया में किसी की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी बाबा तुमने हमसे प्रार्थना की है तो हम प्राण देके और अर्थ देके भी तुम्हारा काम बना देंगे। अब तो महाराज पुरोहित बने वो, और पुरोहित बन करके उन्होंने नारायण कवच का उपदेश किया, ये महाराज लोक में बहुत प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा नारायण कवच था, वो कौन सी विद्या थी जिससे इंद्र की रक्षा हुई, इसका वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी महाराज ने उसका वर्णन किया, नारायण वर्म नारायण कवच। अब विश्वरूप ने बताया कि देखो कि कोई भी जब उत्तम कार्य करना हो तो स्वयं को भी उत्तम होकर करना चाहिए। मैंने करने से तो मैंने कहते से कोई सिद्धि नहीं होती है, अपनी पवित्रता का संपादन करो, हाथ पांव धो लो, बोला हाथ से बुरा काम करने का ख्याल छोड़ो और पांव से बुरी जगह जाने का ख्याल छोड़ो।